गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम दिलावर, ये मेरे साथ मेरा भाई तैयब। तो फाइनली इट्स माय फर्स्ट व्लॉग। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि भाई आप भी व्लॉग बनाया करो, तो हमने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। पहले तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो इंस्टा पे टिकटॉक पे लाइक फॉलो करते हैं, थैंक यू सो मच। ऐसी सपोर्ट करते रहे यूट्यूब पर भी। तो गाइस आज का दिन बहुत एक्साइटेड होने वाला है, बस व्लॉग को आपने एंड तक देखना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिकेट स्टेडियम टू वॉच अ मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, हमारा खुद पहला एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लाइव मैच देखने का किसी स्टेडियम में, तो हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं। बस उम्मीद है आप भी इंजॉय करेंगे। दोस्तों का वेट कर रहे हैं, कुछ दोस्त आ रहे हैं यार। बाकी को तो टिकट मिल गई है, मुझे और एक लड़के को टिकट नहीं मिली, लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं, देखते क्या बनता है। बेचारों को दो लोग हैं जो टिकट नहीं मिली, हम सबको मिल गई है, हमने ऑनलाइन टिकट करवा ली थी बुक, तो होप के इन्हें भी जाके मिल जाए। स्टेडियम जाएंगे तो पता लगेगा कि इनको टिकट मिलती है या नहीं। बाकी एक लड़के से रब्ता है हमारा, तो देखते हैं वो टिकट देता है या नहीं। एक इफ्तारी करेंगे, छोटी सी इफ्तारी के बाद फिर हम लोग स्टेडियम जाएंगे। बाकी आप लोग एंड तक देखना, आपको और इन्जॉय करना। सो गाइज, आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा जो कि हर बंदे को तंग कर रहा है, वो क्या है? मरियम के हवाले से, वो आपको व्लॉग के एंड पे बताएंगे। बहुत से लोग मैसेज कर रहे हैं कि मरियम कहाँ है, वो क्यों वीडियो क्यों नहीं बनाती है, उसने प्राइवेट अकाउंट क्यों किया, तो इसका जवाब हम आपको व्लॉग के एंड पे देंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत लेट हो रही है, हमने जाना है और अफ्तारी भी करनी है, अफ्तारी का टाइम भी होने वाला है, दोस्तों ने इकट्ठे भी होना है, उसके बाद हम आपको मिलते हैं और सब बताएंगे, साथ साथ इंजॉय भी करेंगे, साथ रहना है, जुड़े रहना है। थैंक यू सो मच। वो मेरा हॉस्टल है, वो आप देख रहे हैं, उस हॉस्टल में मैं रहता हूँ, सामने ये पार्क है और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तैयब भी उनके साथ क्रिकेट खेलने लगा है, तो चले मिलते हैं बच्चों के साथ, क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं इनके साथ। सो चैनल का नाम दिलावर, दिलावर दिलावर, और हमें भी खिलाते हो या नहीं? पक्की बात है? अच्छा, मैं बैटिंग करता हूँ, आप बॉलिंग करवाओ, सही है? मैं बैटिंग करूँ? ओके चलो, बैट मुझे दो, एक बॉल खेलनी है मैंने, एक बॉल सिर्फ। ओके अच्छा, ओवर चलो। अभी ये बच्चे से हार के आया है, बच्चे की बॉल नहीं खेलेगी इसे, बच्चे जीत गए हैं, अभी इसको मैं बॉल कराने लगा हूं। पुत्र तेरी नहीं खेल, मैंने नहीं खेलनी, तू नहीं बचता, वो फाड़ के बॉल ले। क्रिकेट भी खेल लिया है, तो अभी हम जा रहे हैं। तू खेल लिया, बस कर, अब बस कर, बस कर, चलें, अब टाइम बहुत हो गया। सो स्टेडियम तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अफसोस तैयब को टिकट नहीं मिली, वो वापस चला गया, अब हम खुद ही जाएंगे, कुछ मेरे दोस्त हैं साथ, तो हम लोग, हमारे सामने स्टेडियम है, इंटर होना है, गेट नंबर आएगा, गेट से हम एंटर हो गए, फिर अंदर जाके आपसे मिलते हैं। अपना जी वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के साथ, तो ये आप देख सकते हैं कि प्योर लाइव सीन है, जगह भी साडा इनक्लूड, जरा फुल चिल माहौल है लाला जी,
जी जी दिलावर भाई फाइनली एंटर। अहमद किधर है? अहमद भाई लो जी तुसी इधर पहले सीन बनाने थोड़ा लाइव। ओए होए 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 फुल सीन है बाबा जी उतो फुल सीन है। जगह लपो यार अपने चेक करो लाला जी चेक करो पूरा फुल सीन होना है गादे ठीक है ना यार चेक करें आप इधर से यार ये चेक कर पानी पी लो ठंडा है गादे दिलावर बच गया ओ यार कसम से जी बाबर आजम की मिट्टी होने वाली है बस एक ग्राम पीछे बाबर और ये 50 है दाल बाबा ये काफी है किनारे बड़े तरी किनारी तरी किनारे फकर क्या किया यार हैट्रिक बॉल बच गया और कैमरा इधर आए आई नहीं रहा कैमरा हमने इतनी महंगी टिकट ली है और आपको पता है कैप्टन नहीं आउट हो रहा भाई कैप्टन लेके जाते हैं 10 ओवर हो गए 98 स्कोर हो गया और अपना रिजवान आपको पता है 50 हो गई है बाबर की आज एक सेंचुरी मारे ना एक भी सेंचुरी बचे ना ओवर लास्ट ओवर आ गए लास्ट ओवर है हां लास्ट ओवर लग रहा है लास्ट ओवर है फोन पे तक आ गया क्या जी जी दिलावर भाई ने बड़ी मेहनत करके माशाल्लाह पहले जहाज से वो अपना चलो जी खड़े हो गए चलो पता चलना चाहिए
बचत हो गई। हाँ जी तुसी भी एंजॉय किया हमने तो बिल्कुल बहुत मजा आया। सब प्लेयर से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस टाइम मतलब के। और रमजान था अलग है एनर्जी आपको पता है के बाद थोड़ी सी लो हो जाती है लेकिन ये है कि और चला कौन सा मोमेंट आपको सबसे अच्छा लगा? मुझे तो बाबर क्या पावर आजम है क्या बात है यार। मैंने कहा था यार सेंचुरी होनी चाहिए कमाल की। आपको स्टार्टिंग में कहा था यार मतलब कि ओपनिंग अगर टिक ही गया तो मतलब कि सेंचुरी एक लगाए ना दिल से निकली थी बात तो वही हुआ है। लास्ट बॉल पे चौका मार के उसने सेंचुरी बनाई है तो बहुत अच्छा लगा बहुत मजा आया। देख सकते हैं आप लोग सड़कों पे अभी वापस जाते हुए तो हम भी जा रहे हैं अपने अपने घरों को। करते हैं आज के ब्लॉग इधर तो अल्लाह हाफिज़ मिलेंगे आप लोग एंड करते हैं। बल्कि एक चीज़ मैं आपको बतानी है वो है मरियम के हवाले से वो मैं आपको जो है ना दूसरा घर जा के बताऊँगा। रश बहुत है। सो बैक टू अनदर डे है। उम्मीद है आप लोगों ने मैच को इन्जॉय किया होगा क्योंकि हम रात को बहुत ज़्यादा थक चुके थे और आते ही सो गए थे। सो जो इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी थी वो अब करने लगा हूँ मरियम के हवाले से। सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ जो मैं बात करूँगा उस बात को आप अच्छे तरीके से समझेंगे और पॉजिटिव लेंगे और पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे जिस तरह हमेशा आप हमें पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं। बहुत सारे फैंस बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उसने अपना अकाउंट क्यों प्राइवेट किया। तो पहले तो मुझे खुद पता नहीं था कि उसने अपना अकाउंट क्यों प्राइवेट किया। जब पता चला तो आपसे शेयर करने आ गया हूँ। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि किसी सोशल मीडिया अकाउंट किसी टिकटॉक किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो अब उसकी नहीं आएगी। उसने अपने सारे अकाउंट्स सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। उसकी वजह यह है कि वो खुद को प्राइवेट रखना चाहती है और उसका ये अपना पर्सनल डिसीजन है कि अपनी पर्सनल चॉइस है पर्सनल उसकी लाइफ है। और आई थिंक उसने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फैसला किया। मैं खुद उसके इस फैसले के साथ खड़ा हूँ। बाकी हम दोस्त आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वो मेरी हम दोनों क्लास फेलोज भी हैं और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी जा रही है। और एज अ फ्रेंड मैं हर मुश्किल फैसले में उसके साथ खड़ा हूँ। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात नेक दुआएँ और बहुत सारी सपोर्ट उसके साथ है। कुछ लोग तो ये मैसेजेस कर रहे थे कि आपने मियां अहमद की तरह मरियम से फेम लेके इसे छोड़ दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं हम छोड़ने वालों में से नहीं हैं निभाने वालों में से हैं। मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त है आज भी हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे। आप पहले भी बता चुका हूँ मेरे लिए वीडियोज़ वगैरह इंपॉर्टेंस नहीं रखती मेरे लिए दोस्ती इंपॉर्टेंस रखती है। सपोर्ट उसके साथ है नेक दुआएं उसके साथ हैं और बस आप लोग पॉजिटिव सोचा करें। उम्मीद है आप लोगों को जवाब मिल गया होगा इस चीज़ का। अभी मेरा दोस्त भी मेरे पास आ गया। इनका नाम है क्या नाम है अबे कुकरेजा। अबे कुकरेजा नाम है भाई का बड़ा प्यारा नाम है माशाल्लाह। तो इसके अलावा यहाँ पर व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन थे आप लोगों के माइंड में वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो करें सब्सक्राइब करें और जिस तरह आप टिकटॉक इंस्टा पे दूसरी चीज़ों पे लाइक फॉलो करते हैं यूट्यूब पे भी ऐसे ही सपोर्ट करें। तो बाकी जो क्वेश्चन उम्मीद है सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। जो अगर क्वेश्चन माइंड में है तो वो भी कमेंट में बता दें उसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। और बस अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।